दिवाली से पहले जहरीली हुई हवा, दिवाली से पहले घुटने लगा दम, दिल्ली की हवा हुई बहुत खराब, राष्ट्रीय राजधानी में बीते दिनों बारिश से प्रदूषण के स्तर में कमी आई, तो अब एक बार फिर दिल्ली का आसमान साफ रहने के साथ हवा खराब हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों की हवा में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में है, तो कुछ जगहों पर गंभीर स्थिति में बन गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आनंद विहार इलाके में आज 16 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपको बता दें, IMD के मुताबिक पिछले दिनों बारिश होने से दिल्ली और उसके आसपास की हवा में सुधार हुआ था, लेकिन 2-3 दिन से बारिश न होने से स्थिति फिर से खराब ही नजर आ रही है। जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बीते 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 दर्ज किया गया था, जो मध्य श्रेणी में आता है। बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI गंभीर माना जाता है। बता दें कि मौसम विज्ञान संस्थान ने आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता मध्य से खराब श्रेणी में रहने का अलर्ट जारी किया था। मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक 18 अक्टूबर से अगले 6 दिन तक हवा मध्य से खराब श्रेणी में रहने वाली है। इसके अलावा IIT दिल्ली में वायु गुणवत्ता पर हुई वर्कशॉप में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बारिश की वजह से जो पराली नहीं जलाई गई थी वो अब एक साथ जलाई जाएगी, जिससे दिल्ली NCR और गंगा के आसपास के मैदानी इलाके में तेजी से प्रदूषण बढ़ेगा। वहीं आपको बता दें, दिल्ली NCR में आज तो फिलहाल बारिश होने के आसार नहीं है, लेकिन सुबह शाम यहाँ पर तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे लोगों को अक्टूबर में ही हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लग गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक ठंडी का आगाज दिल्ली में हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर आज दिल्ली में बारिश होने के चांस नहीं है और अगले हफ्ते तक दिल्ली से साउथ वेस्ट मानसून की विदाई होना तय है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान आज 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रह सकता है, तो वहीं 20 तारीख के बाद यहां सर्द हवाएं चलने का भी अनुमान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।